श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई धनतेरस की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको धनतेरस के दिन रंगोली कैसे बनानी है और किन किन चीज़ों से बनानी है और क्या क्या पूजन सामग्री लगेगी। ये पूर्ण पूजन विधि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। इस तरह पूजन करके आप अपने घर में लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। दीपावली की यह 5 दिवस की पूजा, जिसमें धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन करनी है। सर्वप्रथम आपको धनतेरस के दिन की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वच्छ भूमि पर प्रदोष काल के समय गाय के गोबर से लेपन करके, या गाय का गोबर न मिले तो शुद्ध भूमि पर लेपन करके वहाँ सुंदर चौक पूर दें। याद रखें, जब आप चौक पूरें तो मात्र आटा और हल्दी का प्रयोग होता है, रंगोली का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती है। चौक बीचों बीच चावल रख देना है। अब चौक के ऊपर स्वच्छ चौकी या पाटा रख देना है। पाटे के ऊपर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछा देना है। अब एक थाली लें, थाली पर कुमकुम से रोली से स्वास्तिक का निर्माण कर दें। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपके पास चांदी का सिक्का रख दें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आपके पास जो भी सिक्का हो, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का या 5 का सिक्का हो, उसे स्वास्तिक के ऊपर रख दें। अब आटे के 7 दिए बनाएं और लंबी बाती बनाकर 7 दीपक में घी डालकर जला लें। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगेगी वह लंबी बाती ही लगती है। अब एक तेल का दीपक जलाएं और तेल के दीपक को अपने सीधे हाथ की तरफ रख दें, और जो आपने घी के 7 दिए जलाए हैं उन्हें अपने उल्टे हाथ की तरफ रख दें। अब आपने जो सिक्का रखा है उसका जल से पूजन करें, फिर कुमकुम, रोली, चावल चढ़ाएं, फिर सिक्के को उठाकर उसमें कलावा लपेट दें। लपेटने के बाद वापस थाली में रख दें, फिर उसमें जल का सिंचन करें, फिर हल्दी, रोली, चंदन आदि लगा दें। अब आपको हल्दी में चावल भिगोकर पीले चावल कर लेना है। उन्हें उल्टे हाथ में लेकर माता लक्ष्मी और गणेश जी का स्मरण करते हुए छोड़ना है। जब चावल छोड़ दें तब 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगटे, 7 हल्दी की गांठ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए सिक्के पर चढ़ा दें। अब आपको दोनों हाथों में पीसी हुई हल्दी लेनी है, दोनों हाथों से सिक्के के ऊपर 7 बार चढ़ाना है। जब हल्दी चढ़ जाए तो हाथ में कुमकुम, रोली ले लीजिए और उसे भी चढ़ा दें। फिर आपके पास भोग के रूप में जो कुछ भी हो उसे लगा दें। भोग लगाने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजन आदि कर दें। जो आपने 7 घी के दीपक जलाए हैं उनसे माता लक्ष्मी जी की आरती कर दें। माता लक्ष्मी जी से विनती करिए, हम आपकी संतान हैं, माँ आप हमारे घर में विराजमान हों। हे धनलक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, हम पर कृपा करें। झोली पसार कर विनती करें। अब आरती करने के बाद 7 दीपक को अपने घर के अलग अलग स्थान पर रख दें। पहला दीपक वहाँ जहाँ आपने पूजन किया हो, दूसरा अपने रसोई घर पे जहाँ आप बैठते हैं वहाँ अपने धन के स्थान पर जहाँ तिजोरी रखी है वहाँ रख दें। एक घर के द्वार पर, एक तुलसी के किनारे पर, इस तरह अलग अलग स्थान पर रख दें। इस तरह दीपक रखने के बाद लक्ष्मी जी का स्मरण कर क्षमा प्रार्थना कर लें। इस तरह दीपावली के पहले दिन की पूजन, जिसे हम धनतेरस या धनतरी पूजन कहते हैं, वो पूर्ण होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।